कैसे ये प्रैक्टिस, या आप कोई भी प्रोफेशनल हो तो आपकी प्रैक्टिस को ग्रो कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग हम आज थोड़ी बात कर रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग स्टडी सर्कल मीटिंग। आपको स्टडी सर्कल मीटिंग ज्वाइन क्यों करना है, इसके मेन दो उद्देश्य आपके होने चाहिए। सबसे पहला उद्देश्य आपको नॉलेज लेना है, आपके फील्ड से रिलेटेड आपको अपडेटेड रहना है, एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको लोगों को मिलना है। आप जब ऑफिस में जाके बैठते हो, चार दीवारी के अंदर आप बैठोगे, चार दीवारी के अंदर कोई अगर आ भी नहीं रहा है तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा क्या? डेफिनेटली नो। तो आप बोलेंगे सर हम ऑनलाइन जाएंगे, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पे बात करेंगे। एक मोमेंट के बाद वहाँ पे लिमिटेशंस आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो यूजफुल नहीं है, दैट इज वेरी मच यूजफुल, बट जब तक आप फिजिकली मिलोगे नहीं, फिजिकल अटैचमेंट जब तक नहीं होती लोगों से बात करने के बाद, मिलने के बाद, वो वर्चुअल में तो होती नहीं। सो जब आप स्टडी सर्कल मीटिंग में जाओगे तो सबसे पहले तो आपको नए नए टॉपिक का स्टडी करने का चांस मिलेगा। आज तो हम पेंडेमिक में बात कर रहे हैं इसलिए हम लोगों को मिल नहीं पा रहे, बट जब पेंडेमिक खत्म होगा तो आपको वो तो करना पड़ेगा। आपको जो एरिया में प्रैक्टिस करने है वो एरिया की स्टडी सर्कल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को मिलना पड़ेगा। आपको जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स है या फिर ऐसे कुछ एसोसिएशन है, वहाँ पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पर बड़े बड़े या बिजनेसमैन जा रहे हैं। कोई स्टार्टअप का ग्रुप हो आपको वो ज्वाइन करना पड़ेगा। सो इससे क्या होगा, आप तो एक तो स्टडी सर्कल ज्वाइन कर आपको नॉलेज बढ़ रहा है, और वहाँ पे आप लोगों को मिल मिल के आपको आदत हो रही है कि आपको स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी। उसके बाद जब आप बिजनेस वाला ग्रुप ज्वाइन करोगे, रोटरी ज्वाइन करोगे, इस टाइप का ग्रुप ज्वाइन करोगे, सोशल ग्रुप ज्वाइन करोगे, तो इसमें आप लोगों से ज़्यादा मिलना स्टार्ट करोगे। और जैसे जैसे आप लोगों से मिलना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क बढ़ते जाएगा, एंड योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो लोगों को मिलने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने के लिए आपको आपके ऑफिस से, आपके घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जितना आप घर से बाहर है, जितना आप ऑफिस से बाहर रहोगे, आपका कांटेक्ट उतना ही बढ़ता जाएगा, और ये जितना कांटेक्ट बढ़ेगा अकॉर्डिंगली आपको काम भी बढ़ते जाएंगे। सो दोस्तों, और एक चीज़, जब आप लोगों से मिल रहे हो या फिर स्टडी सर्कल में जा रहे हो, तो आप वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे स्टडी सर्कल में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मेंबर्स रहते हैं। आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप में अगेन आपके जैसे 256 लोग ऑलरेडी वहाँ पे है, तो आप अगर एक्टिवली बात नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। और जब आप एक्टिवली बात करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपके बारे में वहाँ पे डिस्कशंस होना शुरू करेंगे। अच्छा, वो इब्राहिम ना थोड़ा सा एक्टिव लग रहा है लड़का, ये जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बारे में चर्चा पीछे होना शुरू हो जाएंगी। और जब आप लोग आपके बारे में पीछे बात कर रहे, अच्छी बात करें या बुरी बात करें, इट इज़ अ गुड सिंबल दैट यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ। दोस्तों, उसके बाद जब आप स्टडी सर्कल ज्वाइन कर रहे हो, आपको वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। आप फर्स्ट टाइम बिकम मेंबर, स्टार्ट मीटिंग पीपल, सर्व्स मीटिंग में जाओ, बैठो, उसके बाद आप उनसे मैनेजिंग कमिटी से बात करके कोई टॉपिक पे एक सेमिनार ले लो। यू बिकम अ स्पीकर। जब तक आप स्टेज पे नहीं जाओगे आप लीडर नहीं बनोगे। आपको स्टेज पे जाके बात जब करोगे तो नीचे बैठा हो पूरा ऑडियंस आपको पहचान रहा है, और वन स्ट्रोक में आपके चेहरे की फेस वैल्यू इमीजिएटली बढ़ रही, क्योंकि आप नीचे जितना ऑडियंस है, मान के चलो 200 लोग बैठे, तो पूरे 200 लोग आपको अब नाम से पहचानने लगे। अब तक क्या हो रहा था, आप कहीं पे बैठ के सुन के जा रहे थे तो आपको सिर्फ 10 लोग पहचान रहे थे, क्योंकि आप बार बार जा रहे थे। जब आप ऊपर जाके बैठ रहे हो, ऑटोमेटिकली ये लोग बोलेंगे अच्छा ये बंदा सही बात करता है, कोई बोलेगा नहीं ठीक है यार इट्स ओके, बट एटलीस्ट आपके बारे में डिस्कशंस तो हो रहा है। सी, मार्केट में डिस्कशन होना चाहिए आपके बारे में, आप जो एरिया में, आपके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जब तक आपके बारे में चर्चा नहीं हो रही आप ग्रो नहीं हो रहे, आपको कोई पहचान नहीं रहा। और द बैड पार्ट ऑफ दिस दैट, आप किसी प्रोफेशन में 20 30 40 साल रहते हो, और अगर आप कोई सेमिनार में जाते हो उसी प्रोफेशनल्स के साथ में, और आपको सिर्फ एक ही दो लोग पहचान रहे, बाकी सब लोग आपको स्ट्रेंजर या एलियन के जैसा देख रहे, दिस इज नॉट अ गुड सिंबल माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, जॉइन स्टडी सर्कल, बिकम एक्टिव, स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव, एंड योर प्रैक्टिस विल ग्रो लाइक एनीथिंग इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।